एक शब्द तूने और बोला ना तो तुझे उसी फ्रीजर में ले जाकर बंद कर देंगे प्रिया, और फिर देखते तुझे बचाने कौन आता है। अगर तू हमें ताने देती, अगर तू हमें परेशान करती तो मुझे माइंड नहीं करती प्रिया। पर तेरी इतनी हिम्मत कि तू अर्जुन तक पहुंच गई। ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना प्रिया, क्योंकि बेवकूफी की माफी नहीं होती, बहुत बड़ी कीमत होती है जिसे चुकाने की तेरी औकात नहीं। अभी के अभी हम अर्जुन की हालत दिखाकर सबको सच्चाई बता देते प्रिया, मगर परिवार की शांति के लिए हम चुप रह गए। हमें हमारी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर मत कर। ये तो बचपन से ही ऐसी है, आप दोनों भी इसके साथ शामिल हो गए। शर्म आनी चाहिए। अगर अर्जुन तेरी जिद है तो हमारा सिंदूर है, और हमारे सिंदूर का रंग तेरे रगों में बहते खून से भी ज्यादा लाल है। यकीन ना होना तो बस एक बार तो हमारे सिंदूर की तरफ उंगली उठाकर देख, उंगली काट कर साबित कर देंगे। अगर आज अर्जुन को कुछ भी हो जाता ना प्रिय, तो बस हम जानते हैं कि हम तेरा क्या हाल करते। उम्मीद करते हैं कि तुझे ये जानने की कभी नौबत ना आए। तू भी अपनी औकात में रह, समझी? बस और कितनी बेइज्जती करेगी, चल। अम्मा तोप से उड़वा देंगी। हाँ। जल्दी चल, तेरे चक्कर में मैं अपना जान नहीं गंवा सकता। अर्जुन, प्रिया हमसे बदला लेना चाहती थी, जो होना था हमें होता। आप क्यों तकलीफ में हो अर्जुन? हमारी वजह से आप क्यों तकलीफ में हो? अर्जुन, 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 कुछ भी होगा अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था इन्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। इन्हें तो अभी भी ठंड लग रही है। हेलो, हम रूम नंबर 105 से बोल रहे हैं, यह हीटर खराब हो गया, आप प्लीज दूसरा भिजवा सकते हैं? प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। रूम में जितने भी कंबल थे सारे उड़ा दिए, और यहाँ तो फायर प्लेस भी नहीं है जहाँ आग लगा सके। अब हम क्या करें?